जेरे हिरासत नौजवान की हिलाकत मुकदमा में नई पेशरफ्त। मुलजिम मुहर्रर कमर नवाज अदालत में पेश हो गया। इंचार्ज CIA स्टाफ गुजरात सैयद बिलाल शाह और दीगर तीन पुलिस एहलकार ताहाल मफरूर। देवना मंडी के रिहायशी मजहर भट्ट की मौत पुलिस तशद्दुद से हुई या बीमारी से जिंदगी का खात्मा, असल कहानी सामने ना आ सकी। CIA में नया इंचार्ज भी तैनात, सैयद की जगह एक और सैयद इंचार्ज आ गया। CIA कत्ल मुकदमा में अहम पेशरफ्त का मुकम्मल अहवाल देखिए आवाज न्यूज पर, आकाश न्याजी की इस रिपोर्ट में। गुजरात CIA स्टाफ में नए इंचार्ज की तैनाती कर दी गई है। सब इंस्पेक्टर सैयद शहराज शाह ऑफ पिंडपुर सेना को CIA स्टाफ का नया इंचार्ज तैनात किया गया है। इस वक्त हम CIA स्टाफ के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CIA स्टाफ में इससे पहले सैयद बिलाल दीन जो है वो इंचार्ज CIA तैनात थे, जबकि हाजी महमूद डार जो DSP CIA तैनात थे उनके हवाले से आपको बताते चले कि DSP CIA हाजी महमूद डार को चंद रोज कबल IG पंजाब राव सरदार अली खान ने जबरी रिटायर कर दिया और उन्हें नौकरी से बरतरफ कर दिया, जबकि इंचार्ज CIA सैयद बिलाल नेम जो हैं उन समेत चार पुलिस एहलकार जिनमें मजहर शाह वगैरह शामिल हैं उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ थाना सिविल लाइन में। थाना सिविल लाइन में अंदराज मुकदमा के बाद यहां पर जो मुहर्रर कमर नवाज थे उन्होंने अबूरी जमानत करवा ली है, जबकि इंचार्ज CIA सैयद बिलाल नेम और दीगर जो पुलिस एहलकार हैं मजहर शाह वगैरह उनकी अभी तक वो ना ही बुरी जमानतें करवाई हैं और ना ही वो अदालत में पेश हुए और ना ही उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इस सिलसिले में IG पंजाब की तरफ से भी सख्त नोटिस लिया गया है और DPO गुजरात की तरफ से रिपोर्ट जो है वो IG पंजाब को भिजवा दी गई है। चंद रोज कबल एक इंतहाई दिलहराज वाकया पेश आया था कि CIA स्टाफ जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर जेर हरासत एक नौजवान जो है मजहरबाद सतना देवना मंडी, वो अचानक उसकी तबीयत ख़राब हुई जिसे अस्पताल दाखिल कराया गया और जहां वो दम तोड़ गया। उसके अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया था इंचार्ज CIA सैयद बिलाल नेम और दीगर पुलिस अहलकारों पर, कमर नवाज और मजहर शाह वगैरह पर, कि उन्होंने तशद्दुद करके उसे मौत के घाट उतारा है। ताहम इस सिलसिले में पुलिस का कहना है कि उस पर तशद्दुद नहीं किया गया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो क्यास रायां की गई थी, ताहम आर का दम तोड़ने और इसका मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया। IG पंजाब की तरफ से नोटिस दिए जाने के बाद रोजाना की बुनियाद पर इस केस की जो है वो इंक्वायरी भी की जा रही है। DPO गुजरात इस सिलसिला में जो है आला सती उन्होंने नोटिस दिया था, जिसके बाद पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ताहम पुलिस मुलाजमीन का कहना है कि वो बेगुनाह है और उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ये मुकदमा झूठा है या सच्चा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आवाज़ न्यूज़ से मैं हूँ आज। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।